बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू यमी फूड सीक्रेट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज हम बनाएंगे बिस्किट्स डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर के, और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह उसमें फ्लेवर क्रिएट किए जाते हैं। बेसिक डो एक ही बनती है, उसको फिर वेरियंट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो बिस्किट बनाना बहुत ही आसान है। बिस्किट बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं अपने तमाम व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि तमाम नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप लोगों के पास आए। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। मैदा ले लिया है हमने 1 कप और 3/4 कप। पीसी हुई चीनी ले ली है हमने 3/4 कप। अनसॉल्टेड बटर है रूम टेम्परेचर पे 3/4 कप। 2 टीस्पून मिल्क चाहिए होगा बिस्किट्स को आपस में बाइंड करने के लिए, जस्ट थोड़ा सा यूज़ करेंगे। वनीला एसेंस चाहिए होगा 1 टीस्पून। 1 अंडे की जर्दी चाहिए होगी। 2 टेबलस्पून कोको पाउडर ले लेंगे। 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर चाहिए होगा। 6 बादाम ले लिए, उनको इस तरह चॉप कर लिए। क्रश कोकोनट 1 टेबलस्पून चाहिए होगा। ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो यूज़ करें वरना स्किप भी कर सकते हैं। चलें जी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बटर को एक बड़े बॉल में डालेंगे, और इसमें मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप के बिस्किट बनाना सिखाऊंगी, तो प्लीज़ रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो। बटर को हम इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से थोड़ा सा बीट करेंगे। ये देखें क्रीमी टेक्सचर हो गया, बस इसको 1 से 2 मिनट बीट किया है। अब इसमें पाउडर शुगर डाल देंगे, इसको छान के यूज़ कीजिएगा। अब इसको मिक्स कर लेंगे पहले और फिर बीट करेंगे, और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो आप मिक्सर की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। इसको इतना बीट करेंगे कि ये क्रीमी फॉर्म में हो जाए, और हम बिस्किट्स को ओवन में बेक करेंगे। तो ओवन को 180 डिग्री पे प्रीहीट होने के लिए स्टार्ट कर दिया है। ये देखें अच्छा क्रीमी टेक्सचर हो गया है। इसको हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट बीट किया है। अब इसमें एग योक डालेंगे और इसको फिर से बीट करेंगे 1-2 मिनट के लिए। 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल दिया है। अब इसको 1 मिनट के लिए बीट करेंगे फिर से। ये बीट हो गया अच्छी तरह से। बटर में तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं कितना फ्लफी हो रहा है ये इस वक्त, क्रीमी सा टेक्सचर। जितना अच्छा आप बीट करेंगे बटर को, उतने ज़्यादा आपके बिस्किट खस्ता बनेंगे। अब मैदे में बेकिंग पाउडर डालेंगे। इन दोनों चीज़ों को भी छान के यूज़ कीजिएगा, मैंने पहले ही छान के रख लिए थे। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये जो बटर हमने बीट किया था इसमें ये ड्राई इन्ग्रीडियंट्स डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, 1/2 डालेंगे पहले, और इसको मिक्स करेंगे इस तरह रोल करते हुए। बाकी का भी डाल देंगे मैदा, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक भी लम्स इसमें बाकी नहीं रहना चाहिए। ये देखें कितनी सॉफ्ट सी स्मूथ सी डो तैयार हो गई है, और इस वक्त ये काफ़ी सॉफ्ट है क्योंकि बटर जो है उसको हमने अच्छी तरह से बीट किया था, तो इसलिए ये डो काफ़ी सॉफ्ट है। इसको अब हम फ्रीज़र में रख देंगे 15-20 मिनट के लिए सेट होने के लिए। डो सेट हो चुकी है, फॉर्म में आ गई है। इसके 2 पार्ट्स कर देंगे और 1 पार्ट निकाल के काउंटर पे रखेंगे। जो हमने कोको पाउडर लिया था थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, 1 टीस्पून लिया मैंने पहले। ये इसके ऊपर डस्ट करेंगे और इसको गूंदेंगे अब इसके साथ, क्योंकि हम 1/2 जो है वो चॉकलेट फ्लेवर के बिस्किट की डो तैयार करेंगे और 1/2 वनीला ही रहने देंगे। अच्छी तरह से गूंदेंगे इसको। मुझे थोड़ा सा लाइट कलर लग रहा था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा और कोको पाउडर लिया है। इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे, और अगर आपको लगे कि इस स्टेज पे कोको पाउडर डालने के बाद आपकी डो सख्त हो रही है, सही से बाइंड नहीं हो रही, तो आप थोड़ा सा मिल्क यूज़ कर सकते हैं इसको बाइंड करने के लिए। मुझे ज़रूरत फील नहीं हो रही मिल्क की, इसलिए मैं नहीं यूज़ करूँगी। स्मूथ सी डो तैयार हो गई है। ये देखें इस पूरी डो में 1 टेबलस्पून कोको पाउडर यूज़ किया है मैंने। अब इसको साइड पे रखेंगे और वाइट वाले पार्ट को काउंटर पे निकालेंगे। अब इस तरह हाथों की मदद से इसको भी थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। ये भी स्मूथ हो गई है, ये देखें स्मूथ सी बॉल बन गई है। हम कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे, ना ही ऑयल लगाया काउंटर पे,
और ना ही मैदा वगैरह डस्ट कर रहे हैं, ये इसी तरह काफ़ी अच्छी सॉफ्ट डो बनी है, ना हाथों पे चिपक रही है ना काउंटर पे। व्हाइट वाले पार्ट में से छोटा सा पोर्शन लेंगे, ये मैंने बादाम लिए थे जो क्रश किए हुए, ये थोड़े से लेंगे हम और इसको इसके साथ बाइंड करेंगे अच्छी तरह से। इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और ये थोड़े से बादाम बचा लिए थे, ये उसके ऊपर गार्निश करेंगे, हल्का सा इसको टैप करेंगे। ये एक बिस्किट तैयार हो गया, इसको रख देंगे बटर पेपर के ऊपर। ये बेकिंग ट्रे मैंने नीचे रखी है और इसके ऊपर सिंपल बटर पेपर बिछा दिया है। दूसरा भी हमने इसी तरह तैयार कर लिया है, ये देखें इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं। व्हाइट वाले पार्ट को लेंगे छोटा सा इस तरह, ये देख सकते हैं आप, इस तरह छोटी छोटी सी बॉल्स बनाएंगे 6। इसी तरह ब्राउन बैटर की भी एक छोटा सा पार्ट लेंगे और इसकी भी राउंड सी बॉल बना लेंगे सेम साइज की। इसी तरह 6 बॉल्स बना लेंगे, 7 बॉल्स बनाएंगे हम इक्वली एक साइज की। अब एक वाइट वाली बॉल उठाएंगे और इसके राउंड सर्कल बनाएंगे ब्राउन वाली बॉल्स का। ये देखें हल्का सा इनको इस तरह करेंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगी। और ये जो ब्राउन वाला पार्ट है, इस तरह कोई भी टूथपिक ले लीजिएगा या शाश्लिक स्टिक ले लीजिएगा, इस तरह इसके ऊपर रख के हल्का सा टैप करेंगे तो ये देखें खूबसूरत सा डिज़ाइन बन जाएगा। ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावर बन के तैयार हो जाएगा, बस लाइट सा प्रेस करना है हमने इसको। ये देखें बहुत ही खूबसूरत फ्लावर बन के तैयार हो गया है। इसको इस तरह उठा लेंगे बहुत ही हल्के हाथों से और बटर पेपर के ऊपर रखेंगे। इसी तरह ब्राउन वाली बॉल दरमियान में रखेंगे और वाइट वाली इनके राउंड्स सर्कल बना लेंगे और ये वाइट कलर का फ्लावर तैयार हो जाएगा। हल्का सा इसको इस तरह करेंगे तो ये आपस में मिक्स हो जाएगा। इसके ऊपर भी टूथपिक की मदद से इसी तरह डिज़ाइन बना देंगे। देखें बहुत ही खूबसूरत फ्लावर बन के तैयार हुआ है, बहुत ही लाइट हैंड से हम इसको हैंडल करेंगे, बहुत सॉफ्ट हुई होती है ये डो। व्हाइट वाली डो का पार्ट लिया है थोड़ा सा, ये क्रश कोकोनट मैंने लिया था, इसके साथ इसको बाइंड करेंगे। इसको अच्छी तरह से प्रेस करते हुए इस तरह रोल करेंगे ताकि अंदर बिल्कुल भी एयर ना रहे। ये देखें आप शेप देख रहे हैं इसकी, इसी तरह की शेप चाहिए हमें। ये देख लें हमें इतना ही साइज चाहिए था, उतना ही ब्राउन वाला पार्ट लेंगे और इस तरह राउंड सी बॉल बना लेंगे। और ये मैंने रैपिंग शीट काउंटर पे बिछा दी है, इसके ऊपर रखेंगे बॉल को, इसके ऊपर रखें और इसको ऊपर से भी रैपिंग शीट से कवर कर देंगे और इस तरह बेलने की मदद से इसको बेल लेंगे पतला सा। हमें इतना ही साइज चाहिए था, ये देखें। अब इसके ऊपर ये वाइट वाला पार्ट रखें और रैपिंग शीट को ही उठाते हुए इस तरह इसको रोल करेंगे। ये देखें इस तरह बिल्कुल हल्के हाथों से। ये देखें जो एक्स्ट्रा डो है उसको कट कर लेंगे और इस तरह एक फोक ले लेंगे, हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए। ये देखें इस तरह लाइनिंग बना देंगे इसके ऊपर और इस साइड पे भी प्रेस करेंगे हल्का सा और इसको इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ये देखें ये देखें एक ये डिज़ाइन का बिस्किट बन के तैयार हो गया। अब इसको भी बटर पेपर पे रखेंगे। अब ये जो ब्लैक वाला पार्ट बचा था इसकी गोल सी बॉल बना लेंगे, ये देखें। और छोटा सा वाइट वाला पार्ट लेंगे, इसकी भी एक बॉल बनाएंगे और इस तरह प्रेस करेंगे हल्के हाथों से। अब ये ब्लैक वाली बॉल इसके अंदर रखेंगे और इससे इस तरह कवर करके इसको बंद कर देंगे। ये देखें और अब इसको स्मूथ सी बॉल बना लेंगे इस तरह राउंड घुमाते हुए।
अब हल्का सा प्रेस करेंगे हाथों से और ब्लैक वाला पार्ट लेंगे और इस तरह गोल सी बॉल बनाएंगे इसकी छोटी सी, और इसके ऊपर रख के ऐसे टैप करेंगे। अब एक स्पून ले लेंगे और इससे ऐसे कट्स लगाएंगे इसमें। ये देखने आप मैं किस तरह लगा रही हूँ, इसी तरह लगाइएगा बिल्कुल। बस वाइट वाले पार्ट को हम कट लगा रहे हैं। खूबसूरत सा फ्लावर बन गया है बिस्किट का, ये रेडी है। इसको भी बटर पेपर पे रखेंगे। हमने टू पार्ट्स और ले लिए हैं, ब्राउन वाले की भी और वाइट वाले की, मजीद डिजाइंस बनाने के लिए। अब वाइट वाला पार्ट उठाएंगे और इस तरह प्रेस करेंगे इसको। इसको रैपिंग शीट के ऊपर रखा है और ऊपर से भी रैपिंग शीट से कवर कर दिया है। इसको बारीक सा बेल लेंगे, ये देखें इतना ही चाहिए हमें। इसी तरह ब्राउन वाला पार्ट रखा है, उसको भी बेल लेंगे, इतना ही चाहिए था। इसके ऊपर वाइट वाला पार्ट रखेंगे, रैपिंग शीट की ही मदद से इस तरह रोल करेंगे इसको। ये देखें हाथों की मदद से इस तरह इसको एडजस्ट कर रहे हैं। अब इसको इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दरमियान में से बिल्कुल कट करेंगे और फिर इसको हाथों की मदद से, ये देखें ये भी एक डिज़ाइन बन गया। इसको भी अब बटर पेपर पे रखेंगे। ये देखें इसी तरह दूसरा बिस्किट भी बन के तैयार है। प्लेन एक ब्लैक कलर का बिस्किट बना लिया इसी तरह, और ये क्रश कोकोनट जो लिया था सिंपल इसके ऊपर कोट कर देंगे इसको। ये देखें, ये देखें रेडी हो गया है। ये लास्ट डो बच गई है, इसको हमने फोर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, टू पार्ट्स वाइट डो के और टू ब्राउन वाली के। अब इस तरह हाथ की मदद से ये रेक्टेंगुलर शेप दे देंगे, चारों की एक जैसी शेप्स तैयार हो गई हैं। अब ब्राउन वाला पार्ट उठाएंगे, पहले दूध लिया था जो, वो फिंगर से हल्का सा ऊपर लगाएंगे इसके, और इसके ऊपर वाइट वाला पार्ट रखेंगे। दूध की वजह से ये आपस में अच्छे से मर्ज हो जाएंगे। अब इसके ऊपर भी हल्का सा दूध लगाएंगे और इसके ऊपर ब्राउन वाला पार्ट रखेंगे, इसके ऊपर भी हल्का सा दूध लगाएंगे और इसके ऊपर वाइट वाला पार्ट रखेंगे। अब इस तरह सेंटर से इसको कट करेंगे। ये भी एक डिजाइन का बिस्किट बन के तैयार हो गया है। ये सिंपल व्हाइट वाले पार्ट का एक बिस्किट तैयार कर लिया है, और ये ड्राई कोको पाउडर है। इस तरह फोक के ऊपर इसको लगाएंगे और ये इस तरह इसके ऊपर टैप कर देंगे। ये देखें कितना जबरदस्त सा डिजाइन बन के ये भी तैयार हो गया है। इसके अंदर थोड़ा सा ब्राउन वाला पार्ट डाला था, इसको भी बेकिंग ट्रे में रख देंगे बेक होने के लिए। ये देखें आपके एक बिस्किट से दूसरे बिस्किट का कितना फासला है। इसी तरह गैप दे के बिस्किट्स को रखना है, क्योंकि बेक होते वक्त ये थोड़े से और राइज होते हैं, तो अगर साथ साथ जोड़ के रखेंगे तो आपस में चिपक जाएंगे। 180 पे ओवन प्री हीट हो चुका हुआ है। अब इसको बेक होने के लिए ओवन में रखेंगे। 12 से 15 मिनट लगेंगे, बिस्किट्स बेक हो जाएंगे। बेकिंग ट्रे रख दिया हमने, अब आपसे मिलते हैं 15 से 20 मिनट के बाद, जब ये बेक हो जाएंगे। इसका फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। जबरदस्त से बिस्किट बेक हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब इसको बेकिंग ट्रे से निकालेंगे बहुत ही एहतियात से, क्योंकि ये गर्म है इस वक्त, और इसको वायर रैक पे रखेंगे ठंडा होने के लिए। सारे बिस्किट्स को अच्छी तरह से वायर रैक पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। थोड़े से ये ठंडे हो जाएं, फिर आपको दिखाते हैं ये कितने क्रंची बन के तैयार हुए हैं। जब ये गर्म होते हैं तो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। बिस्किट्स रूम टेम्परेचर पे आ चुके हैं और बहुत ही खस्ता बन के तैयार हुए हैं। ये देखें, मैं आपको एक बिस्किट दिखाती हूँ। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है इसकी बैक साइड पे भी। ये देखें, होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।